जरूरी खबर, विदेशों की तर्ज पर जल्द ही भारत के पास अपना एक कार सेफ्टी रेटिंग सिस्टम होगा। जी बिजनेस को मिली जानकारी के मुताबिक इसी साल स्वदेशी क्रैश टेस्ट रेटिंग सिस्टम आएगा। अब ये काम कैसे करेगा, कब से लागू होगा, ये समझना और जानना हम सबके लिए जरूरी है। हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, भारत का अपना कार सेफ्टी रेटिंग प्लान क्या है, इसकी तैयारी? जी बिल्कुल स्वाति, ये जो टेस्ट रेटिंग है इसके लिए सरकार काम करना शुरू कर चुकी है। जल्दी इसके नियम लागू कर दिए जाएंगे। जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार ARAI ने इसके लिए नियम बना दिए हैं और वो कंसल्टेशन लेवल पर है। स्टेक होल्डर से सबके इनपुट लिए जा चुके हैं और मंत्रालय लेवल पर उसके अप्रूवल मिलने के साथ ही ये नियम जारी कर दिए जाएंगे। जो जानकारी हमको मिली है उसके अनुसार विदेशी जो टेस्ट रेटिंग है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होंगी इंडिया की रेटिंग्स। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि वो भारतीय के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया गया है। जो विदेशी रेटिंग होती है उसको वहां की बड़ी सड़कों के हिसाब से, वहां के मौसम के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। जो भारतीय रेटिंग है उसको भारत के भौगोलिक दृष्टि से उसको मॉडिफाई किया गया है। जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार कार को स्ट्रक्चरल सेफ्टी ज्यादा ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया है ताकि किसी भी सूरत में एक्सीडेंट, चाहे वो सामने से हो या साइड से हो, उस सिचुएशन में जो सवारी है, जो गाड़ी के अंदर बैठे पैसेंजर्स हैं, उनकी जान माल की कम से कम हानि हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही जो बेसिक फीचर्स हैं गाड़ियों में वो ऐड करना कंपलसरी हो जाएगा, यानी कि एडवांस ब्रेकिंग, इसके अलावा 6 एयरबैग्स, इसके अलावा जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो, फ्रंट फेसिंग के लिए जितनी भी सीट्स होंगी उन सबके लिए सीट बेल्ट कंपलसरी कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो अलार्म है वो सिस्टम पैसेंजर्स के लिए साथ साथ ड्राइवर्स के लिए भी रहेगा। इसके अलावा लाइटिंग्स को लेकर भी विशेष फोकस रखा गया है और GPS बेस्ड जो उनकी नेविगेशन होगी उसको भी मैंडेटरी किया जाएगा। तो कुल मिला के आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि जो हमारी गाड़ियां होंगी, जो इंडियन रेटिंग के साथ गाड़ियां होंगी, वो किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ज्यादा सुरक्षित मानी जाएंगी। फिलहाल सरकार की ये कोशिश है कि कंसल्टेशन के लेवल पे जो कंपनियों से बातचीत है उसके अनुसार पहले स्टेज में तो इसको कंपलसरी नहीं किया जाएगा, पहले ऑप्शनल रखा जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा। जिस तरह सरकार एक्सप्रेस वेज को लेकर आगे बढ़ रही है, हाई स्पीड गाड़ियां देखी जा रही है देश में, आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि ऑटो कंपनीज के लिए इस तरह की रेटिंग लेना कंपलसरी होगा। इसका असर गाड़ियों के दाम पर जरूर पड़ेगा, लेकिन यात्री सुविधाओं को, यात्रियों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये जो कीमत है वो बहुत ज्यादा नहीं है, यात्री और ज्यादा सुरक्षित होंगे। जी